तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो बहुत ही कम कीमत पर बहुत सारे फीचर्स दे रहा है, वो है टेक्नो पोवा जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसकी जो फर्स्ट सेल है वो 11 दिसंबर को दिन में 12 बजे होने वाली है। मैं हूं मही शर्मा और आप देख रहे हो मही क्रिएशन। वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। तो इसमें 6.8 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी साइज की है। नॉर्मली किसी भी फ़ोन में 6.5 इंच की डिस्प्ले आती है, लेकिन इसमें 6.8 इंच की बड़ी डिस्प्ले है। साथ ही इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। और मोबाइल के राइट साइड की बात करें तो इसमें वॉल्यूम बटन और पावर बटन दिए हुए हैं। मोबाइल के लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें गूगल असिस्टेंट बटन दिया हुआ है। इसके जस्ट ऊपर एक सिम कार्ड ट्रे मिलती है जिसमें ड्यूल 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 256 GB तक का। और मोबाइल के नीचे की साइड की बात करें तो इसमें मिलता है एक माइक्रोफोन, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। तो दोस्तों इसका जो साउंड सिस्टम है वो ऊपर की साइड में जो कॉलिंग स्पीकर है उसके अंदर ही साउंड सिस्टम दिया हुआ है। तो दोस्तों अब फोन के बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं जिसके साथ में आते हैं एक फ्लैश और उसके जस्ट नीचे सेंटर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। कैमरे के जस्ट नीचे और फिंगरप्रिंट के राइट साइड में पोवा की ब्रांडिंग की हुई है जो कि मोबाइल का मॉडल नंबर है और मोबाइल के नीचे की साइड में टेक्नो कंपनी की ब्रांडिंग की हुई है। और दोस्तों जो मोबाइल का कलर है वो मैजिक ब्लू है। इसके अलावा इसके दो कलर और आते हैं, स्पीड पर्पल और ब्लैक। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की। तो इसमें क्वाड कैमरा मिलते हैं। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 16 MP का मिलता है, साथ में 2 MP का डेप्थ कैमरा मिलता है और 2 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो 118 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ में पिक्चर क्लिक करता है, साथ में एक AI लेंस कैमरा मिलता है। अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। तो इसमें इन डिस्प्ले 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा के जो पिक्सल हैं वो थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को, चाहे मेन कैमरा हो चाहे सेल्फी कैमरा हो, दोनों में थोड़े पिक्सल कम दिए हुए हैं। बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जिसके साथ में आता है 18 W का फास्ट चार्जर। और दोस्तों इसमें जो चार्जिंग केबल है या चार्जिंग पोर्ट है वो माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। इसमें टाइप सी की USB चार्जिंग केबल या टाइप सी का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों अब इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। तो इसमें MediaTek G80 प्रोसेसर है जो कि एडवांस गेमिंग प्रोसेसर है। इसके साथ में मिलती है LPDDR4X रैम जो इसकी परफॉर्मेंस को और ज़बरदस्त बनाती है। तो दोस्तों 10,000 की रेंज में MediaTek G80 प्रोसेसर साथ में DDR4X रैम देना बहुत ही अच्छा है। इस प्रोसेसर और रैम की कॉम्बिनेशन के साथ में बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके वेरिएंट की। इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें 4 GB रैम मिलती है और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। उसकी जो कीमत है वो 9,999 रुपये है। इसके ऊपर एक वेरिएंट और दिया हुआ है जिसमें 6 GB रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है और इसकी जो कीमत है वो 11,999 रुपये है। तो बात करते हैं इन द बॉक्स क्या क्या मिलेगा। हैंडसेट मिलेगा, 18 W का पावर एडेप्टर मिलेगा जिसके साथ में डाटा केबल आएगी, ब्लैक TPU कवर मिलेगा, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो वारंटी है वो 13 महीने की है। आमतौर पर किसी भी फ़ोन की 12 महीने की वारंटी आती है। तो दोस्तों अब बात करें मोबाइल के डेप्थ और वेट की। तो इसमें 9.4 mm की डेप्थ मिलती है, मतलब कि दोस्तों 9.4 mm का स्लिम फ़ोन मिलेगा। और इसके वेट की बात करें तो इसमें 215 ग्राम के आसपास इसका वेट आएगा। और बात करें तो दोस्तों ये एक बजट फ़ोन है जो 10,000 के अंदर MediaTek G80 प्रोसेसर, DDR4X रैम जिसमें 4 GB रैम मिलेगी और 64 MP का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, क्वाड कैमरा मिलते हैं, इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है 8 MP का, 6000 mAh की मेगा बैटरी मिलती है, साथ में 18 W का फास्ट चार्जर मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो दोस्तों 10,000 में इतने सारे फीचर्स, तो दोस्तों ये एक बजट फ़ोन के साथ साथ कम कीमत में बहुत सारे फीचर्स दे रहा है तो एक कमाल फ़ोन है। तो 10,000 के अंडर में कोई भी फ़ोन लेना हो तो ये एक अच्छी डील होगी। साथ ही साथ इस फ़ोन पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट लेना हो तो फ्लिपकार्ट इस फ़ोन पर न्यू वीजा कार्ड लगाने पर 2,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दे रहा है। तो 10,000 का फ़ोन अपने को 8,000 में पड़ेगा और 12,000 वाला फ़ोन अपने को 10,000 में पड़ेगा, तो एक ज़बरदस्त डील होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अलावा हमारे से कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कुछ नया फैक्ट हो इस वीडियो के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।